My name is Akilo. I'm from Loser. I like to listen to Goal FM because only the classic. Bulavinaka, I'm Nanise Salambongi, and I love to listen to Gold FM here in Lambasa. Bola, I'm Kuki, I'm from Rakiraki. I love listening to Gold FM, only the classic beats. Bulavinaka, my name is Anna. I love listening to Gold FM, 100.2 FM. Gold FM, only the classic hits here in Suva. Gold FM, only the classic hits. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ केतरिन कृष्णा। कई म्युनिसिपल काउंसिल्स को करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए स्पॉटलाइट में रखा गया है और कुछ काउंसिल के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर प्रेमिला कुमार ने बताया कि इन काउंसिल्स में कुछ प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल्स मिली है जिसे असेस नहीं किया गया था। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि वे आगे चलकर और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तथा वे ये देखेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से अप्रूवल प्राप्त हो। कुमार ने कहा कि अब बात सामने आई है कि कुछ प्रोजेक्ट्स को गैर कानूनी ढंग से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मिनिस्ट्री के अनुसार वे म्युनिसिपल काउंसिल्स पर नज़र रखेंगे ताकि टैक्स पेयर्स द्वारा भरे गए पैसों को अच्छी तरह इस्तेमाल में लाया जाए। आज शाम वतवांगा स्थित वैलिया सेटलमेंट में आग लगने की वजह से 3 घर जलकर नष्ट हो गई। तीनों परिवार के 18 सदस्य बेघर हो गए हैं। एक घर के मालिक बिजनेश राहुल ने बताया कि आग उनके पड़ोसी के घर से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आग लगभग 3:30 बजे के वक्त लगी। राहुल ने कहा कि हादसे के समय उनकी पत्नी और 1 वर्ष का बेटा घर में सो रहा था, लेकिन वे आग लगने से पहले घर से बाहर चले गए थे। सेंट जॉन्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर किरण गायकवाड ने बताया है कि देश में गैरकानूनी नशीले पदार्थ जैसे कि मेथमफेटामिन और कोकेन बढ़ती जा रही है और यह एक चिंता का विषय बन गया है। सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में नया ड्रग और अल्कोहल यूनिट का उद्घाटन करते हुए गायकवाड ने कहा कि कई लोगों ने इन ड्रग्स का सेवन करके अपना जीवन नष्ट कर दिया है। डॉक्टर ने कहा कि वे अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं ताकि ऐसे विषयों पर और जागरूकता फैलाया जा सके। फिलहाल प्रधानमंत्री वरेंगे बैनी मरामा ने कहा कि देश में अल्कोहल अब्यूज़, हार्ड ड्रग्स जैसे कि मेथमफेटामिन और कोकेन के यूज़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये एक चिंता का विषय बन गया है। खेलकूद की खबरों में 2019 वर्ल्ड रग्बी मैन सेवन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जेरी तुआई अब सेवन सीरीज पर फोकस कर रहे हैं जो अगले महीने से शुरू हो रहा है। तुआई ने कहा कि भले ही वे ओशनिया सेवन्स चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे दुबई और केप टाउन सेवन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुआई ने कहा कि वे सीरीज के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो ऐसे में उन्हें अच्छा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। 30 वर्षीय तुआई का कहना है कि वो इसी हफ्ते बाद में कैंप को ज्वाइन करेंगे। ओशनिया सेवन्स के लिए फिजी को न्यूजीलैंड, जापान डेवलपमेंट साइड, न्यू कैलेडोनिया और न्यूयॉर्क के साथ पूल किया गया है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे इन समाचारों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्च FM पर भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और रेडियो फिजी बहुत रेडियो फिजी रोज सुनता हूँ। मेरा नाम सुखराम है, मैं नंदूरू नौसोरी में रहता हूँ। हमेशा मैं रेडियो फिजी 2 सुनता हूँ। रेकी रेकी ओने नाबू, हमारा नाम है बिनोद लाल फैंटम। रेडियो फिजी 2 हम लोग बहुत लाइक करता हूँ, ये सुनता हूँ। हम विनोद प्रकाश है, गोल्डन टाउन में रहता है और सबको रेडियो फिजी 2 सुने, सबको लाइक करे। हम एक कलाकार है, लोकगीत कमलावती नारायण भतीरी सिंगा टोका के, और रेडियो फिजी 2 हमें बहुत पसंद है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।